को हो क्या गया जुम्मे में हजरत जी, तकरीबन हर जुम्मे कोई ना कोई वालिद ना अपने छोटे छोटे बच्चे लेके आया होता है, ये हजरत इसको दम करें जी। किस चीज का दम करें जी? ओए हजरत बस मोबाइल बगैर नहीं जरेंदा कोई, हजरत मोबाइल लें तो जनाब जमीन पे लोट पोट हो जाता है। हजरत ये तो मोबाइल के बगैर सोता नहीं, ये तो सोता भी मोबाइल देखते देखते। मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को दम नहीं किया, मैं कहता हूं यार इनू साइड से कर, इधर आ तेनू दम करा, दम तेरा बनता है, दम तेरा बनता है। उसका दम क्यों, उसका दम कहां से आ गया भाई? ओ भाई मोबाइल इसको दिखाया किसने? तूने दिखाया? उसकी जाने वाला मोबाइल क्या चीज है? उसने जब देखा अबू के हाथ में मोबाइल देखा, उसने जब देखा तायाबू के हाथ में मोबाइल देखा, उसने जब देखा चाचू के हाथ में मोबाइल देखा, उसने जब देखा जना मामू के हाथ में मोबाइल देखा, जब उसने देखा खालू के हाथ में मोबाइल देखा, जब उसने देखा अम्मी के हाथ में मोबाइल देखा, जब उसने फुफो के हाथ में देखा मोबाइल देखा, जब उसने ताई के हाथ में देखा मोबाइल देखा, जब उसने चाची के हाथ में देखा मोबाइल देखा, उन्होंने कहा पता नहीं केड़ी को खास है, सारे नहीं पढ़े होता, फिर उन्हें भी पढ़ लिया। उसका तो कसूर ही कोई नहीं, उसको काहे का दम करूं, उसका क्या कसूर है, उसको काहे का दम करूं? मैंने भाई उसको दिखाया, मैंने कभी हजरत अपने बच्चे को कुरान पकड़ के दिखाया? अगर मैंने कुरान पकड़ा होता तो मेरे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल नहीं, मेरे बच्चों के हाथ में भी कुरान होता। हजरत मैंने हजरत कभी अपने बच्चे को तस्बीह पकड़ के दिखाई है? अगर मेरे हाथ में तस्बीह होती तो मेरे बेटे के हाथ में भी तस्बीह होनी चाहिए। मैंने कभी अपने बच्चे को मुसल्ले पे खड़े होकर दिखाया? अगर मैंने मुसल्ले पे खड़े होकर दिखाया होता मेरा बेटा भी मुसल्ले पे खड़ा होता। ना उसने कभी अम्मी के हाथ में कुरान पाक देखा, ना उसने कभी अब्बू के हाथ में कुरान पाक देखा, वो कुरान कैसे पकड़े है? मुझे तो चाहिए था मैं इतना कुरान पाक पकड़ता मेरा बेटा खोल के एक बार देखता भाई है क्या। अब्बू जब भी पढ़ते हैं रोना शुरू कर देते हैं, अम्मी जब भी पढ़ती हैं रोना शुरू कर देती हैं, लेकिन ना कभी अब्बू के हाथ में कुरान, ना कभी अम्मी के हाथ में कुरान। अब्बू के हाथ में भी मोबाइल, अम्मी के हाथ में भी मोबाइल, तो फिर क्या हुआ? फिर बच्चों के हाथ में भी। मैं कहता हूं इसको काहे का दम करवाने आए, दम तेरा बनता है। और मैं कहूंगा हजरत जितने अब्बू बैठे हैं आस्ताने से बरकत लेते हुए, हजरत आज भी वापस आ जाओ, हजरत फड़ लो अपने अपने थंज कुरान पाक, हजरत मैं पकड़ूंगा, मेरे बच्चे पकड़ लेंगे। लिखा है जी एक बुजुर्ग थे अपनी बच्ची को लेके ना हजरत वो मछलियां पकड़ने चले गए। हाँ जी, वो करते क्या हजरत, वो मछली पकड़ते, पकड़ के अपनी बच्ची को देते, वो फिर मछली पकड़ने में मशगूल हो जाती, बच्ची पीछे मछली को देखती और देख के ना वापस दरिया में फेंक। ये वो वाले थे जिन्होंने अपनी बच्ची की तरबियत की थी हजरत। हमारी तो तवज्जो ही नहीं हजरत इन बच्चों की तरफ हजरत, हमने स्कूल भेज दिया और वेले होके बैठे हुए। ओ भाई कभी इनकी किताबें तो खोल के देखो, स्कूल वाले इनको पढ़ा क्या रहे हैं? कभी देखी आपने इनकी किताबें? इनकी किताबों में हजरत जी पोएम है, इनकी किताबों में नज्म है हजरत जी। क्या चू 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 चा चा घड़ी पे चूहा ना चा, घड़ी ने एक बजाया चूहा नीचे आया। हजरत साहब ये पढ़ा रहे हैं इनको, ओ इनको चूहा क्यों पढ़ाते हो? इनकी किताबें खोल के देखो, नज्म है, टोट बटोट के दो मुर्गे थे। और इनको क्यों चूहा पढ़ाते हो? इनको क्यों मुर्गे पढ़ाते हो? इनको अली क्यों नहीं पढ़ाते? हाँ साहब क्या बात है, वो भाई टोट बटोट में नज्म पढ़ा रहे हो, को अली पाक पे पढ़ा दो। लेकिन उनको पता है हजरत जी जिन्होंने अली पढ़ा छड़े थे उन्हें साड़ियां टंगा खड़िया कर चढ़नी है, नजर कभी नहीं पढ़ा। सही ना कह रहा हूं, कभी नहीं पढ़ाएंगे हजरत। टोट बटोट एंड जी हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वन वाज ए थर्स्टी क्रो। मैं पूछता हूं भाई इनको क्यों लिटिल स्टार पढ़ाते हो? ओए हम लिटिल स्टार वाले नहीं, हम बिग स्टार वाले हैं, और अबू बकर हमारे बिग स्टार हैं, उमर फारूक हमारे बिग स्टार हैं, उस्माने गनी हमारे बिग स्टार हैं, मेरे मौला मुश्किल कुशा हमारे बिग स्टार हैं, हुसनैन करीमैन हमारे बिग स्टार हैं, अबू बैदा बिन जर्रा हमारे बिग स्टार हैं, जाफर तैयार हमारे बिग स्टार हैं, अम्मार बिन यासिर हमारे बिग स्टार हैं, अबू जर गफारी हमारे बिग स्टार हैं, जैद बिन हारिसा हमारे बिग स्टार हैं, अब्दुल्ला बिन रवा हमारे बिग स्टार हैं, बिलाल हबशी हमारे बिग स्टार हैं। लेकिन क्या है, कभी भी क्या पढ़ाते हैं? टोट बटोट के दो मुर्गे। क्या पढ़ाते हैं? चू 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 चाचा
घड़ी पे चूहा, इसलिए दो ही काम हुए, एक कौम नाच रही है, दूसरा कौम चूहा बन गई है। उनको पता था अगर इनको अली पढ़ा दिया तो फिर कौम के ये हालात नहीं होंगे कभी, अगर इनको उमर पढ़ा दिया तो कौम के कभी भी ये हालात। मुझे हजरत जी आज भी याद है 1996 जब मैं छठी क्लास में गया हजरत जी, तो मैं आज भी याद करता हूँ हजरत, मेरा इंग्लिश का वो मजमून था, मैं अला इंग्लिश मीडियम से आया था हजरत, लेकिन वहां बड़े बच्चे हजरत जी उर्दू मीडियम से भी आए थे, इसलिए लाइट इंग्लिश थी हजरत जी, तो मजमून उसमें क्या था मैं आज भी याद करता हूँ, माई पेन, माई बुक, माई चेयर, माई टेबल, तो मैं आज भी याद करता हूँ, मैं कहता हूँ ये सानू माई टेबल पढ़ा छड़े, जो कभी तुम उस उम्र में माई अली पढ़ा छड़े होंगे ना, कभी उस उम्र में माए अबू बकर पढ़ाए होते, कभी उस उम्र में माए उमर पढ़ाए होते, कभी उस उम्र में माए उस्मान गनी पढ़ाए होते, कभी उस उम्र में आवरा आवर सैयदा खदीजा तैयबा ताहिरा पढ़ाई होती, कभी उस उम्र में सैयदा आवर सैयदा आयशा पढ़ाई होती, कभी उस उम्र में आवर सैयदा कायनात पढ़ाई होती, खुदा की कसम है आज कौम की हालत ये ना होती, कौम की हालत कुछ और ही होती। लेकिन कभी भी जो नहीं पढ़ा दे असी भी सुते पाए, तुम पढ़ाओ अपने बच्चों को, बिठा के ना बताया करो कि हमारे अली पाक कैसे थे, अपने बच्चों को बिठा के बताया करो हमारे हसनैन करीमैन कैसे थे, अपने बच्चों को बिठा के बताया करो हमारे अबू बकर कैसे थे, अपने बच्चों को बिठा के बताया करो हमारे उम्र पाक कैसे थे। इतना जी ये कख नहीं जी पढ़ा डे, यही पढ़ा डे जी चू 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 घड़ी पे चूहा। हाँ जी नहीं वैसे आपस में हम बैठे हैं, है वैसे बच्चियों को पढ़ाने वाली कोई गल है, कभी नहीं, इसलिए आप पढ़ाओ हजरत, आप अपने बच्चों को बिठा के बताओ हजरत जी है? कि हजरत अली पाक कैसे थे, देखो हजरत जी होता क्या है। मैं इसलिए तो कहता हूँ हजरत जी के बड़ी दूर निकल गए, और अली पढ़ाना कब है कि जब सारे रंग चढ़ चुके होंगे, उम्र तो ये है पढ़ाने वाली अली हजरत, ये उम्र है, 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 ये उम्र है अली पाक पढ़ाने वाली, लेकिन पढ़ाया कब जाएगा जब सारे रंग चढ़ जाएंगे। ये उम्र है कि हजरत अली पाक का रंग चढ़ाया जाए, ये उम्र है कि जनाबे सिद्दीक अकबर का रंग चढ़ाया जाए। वो वालिद था हजरत, उसने अली पढ़ाए थे हजरत बच्ची, वो क्या करती बच्ची मछली पकड़ती और वापस दरिया में, अब उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, जब काफी वक्त गुजर गया ना तो उन्होंने ख्याल किया कि अब काफी मछलियां हो चुकी होंगी, वो अपनी बच्ची को कहते बेटा दिखा तो सही कितनी मछलियां हुई, उसने वो बर्तन का ढक्कन उठा के दिखाया तो मछली कोई नहीं, वो बुजुर्ग कहते हैं बेटा मैंने इतनी मछलियां पकड़ के दी किधर गई सारी, उन्होंने कहा बाबा मैंने दरिया में वापस फेंक दी, उन्होंने कहा बेटा मैंने दरिया में फेंकने के लिए दी थी, क्यों फेंक दी दरिया में, अब जरा सुनना जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की थी। बच्ची आगे से अर्ज करती है बाबा हर रोज सुबह में बिठा के दर्स देते हुए हमारी तरबियत नहीं करते कि वही मछली जाल में फंसेगी जो उस दिन अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएगी, जिस दिन अल्लाह की याद से उसको सजा मिलेगी वो जाल में फंसा दी जाएगी। बाबा रोज सुबह हमें बिठा के बताते नहीं कि उसी दरख्त पे आरी चलती है जो अल्लाह की याद से, मैं सही कह रहा हूं ऐ सिर्फ वेले नकमे पाले जा रहे हैं, बाकी तो हजरत जो अपना काम छोड़े खत्म करो, जो दरख्त अल्लाह की याद से गाफिल हुआ पिंड के किसी बंदे के दिल में डाल दिया जाता है, चल चुक कुहाड़ा तो चुक आ रही सानू याद करना छड़ छड़े वड्डा नु, या तो बालन बनाओ तो या तंदूरे लाओ तो या किले ठो के तो डंगर बनो, हजरत ये हजरत जी वेले पाल रहे हैं, बाकी कोई नहीं जो अपना काम छोड़ेगा फिनिश। मछली ने जिक्र नहीं किया जाल, जानवर ने जिक्र नहीं किया छुरी, परिंदे ने जिक्र नहीं किया जाल पिंजरा। बच्ची आगे सर्च करती बाबा आप खुद ही बताते हैं हमें, उनका बेटा यहां तक ठीक है लेकिन तूने मछलियां दरिया में वापस क्यों फेंक दी, बात बिल्कुल ठीक है वही मछली जाल में फंसती है जो उस दिन अल्लाह का जिक्र नहीं करती, लेकिन तूने दरिया में क्यों फेंक दी, सुनिएगा जरा हजरत। आगे से बच्ची कहती अब्बू जी इसलिए फेंक दी हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह की याद से गाफिल हो चुकी हैं, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी अल्लाह की याद से गाफिल ना हो जाएं। लेकिन इसलिए पुत्र
तीर सीधा जाके ना ऊपर निकला और जाके लगा हजरत जी बास को, वो तीर लगने से मर गया, वो शाम के डसने से मर गया। ये अशारा 11 अशार का तर्जमा मुकम्मल हुआ। उन हजरत जी कुगी खलोती है चुप करके, तो मियां साहब देखते ने पेदरे, छोटी सी कुगी, इतना बड़ा बाज, इतना बड़ा शिकारी, मौत को मौत आ गई, कुगी वहां ही खड़ी है हजरत। फिर 12वां शेर मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा, अब क्या कहते हैं, अब फरमाती हैं, कुगी रही अथां खलोती चंगी पली नरोई। ये मैं वैसे अपने सियालकोट की बात करूं ना, तो मिसाल के तौर पर हम क्या कहेंगे, मतलब एक बंदा आ गया, उसका मुझे फोन आया, मिस भाई साहब मैं पहुंच गया हूँ, मैं उससे उसकी लोकेशन पूछूंगा, तो मैं उसको पूछू, तो उन्हें मुझे कहना है, वो जो बताएगा ना, मैंने उसको कहना है ओथे ही नहीं, मेरी सियालकोट की लैंग्वेज, मैं उन्होंने की कहना है ओथे ही, क्योंकि लिखा है जी हर 35 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज थोड़ी सी, साढ़े सियालकोट सी ओथे ही नहीं, तो ओथे जो टुरदा 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 खड़ी शरीफ गया तो बन गया अथां। अब समझ गए बात कि अथां का मतलब क्या, आप फरमा रहे हैं वो कुगी जिसको दो मारने आए हैं, कुगी ओथे ही खलोती है, मारने वाले मर गए इधर। अब क्या कहते हैं, कुगी रही अथां खलोती चंगी पली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई है, मर्जी रब दी होनी है, मर्जी मर्जी मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई है, मर्जी ओदी होनी है, एवं ओद मत्था लाया जी अदर, ओद मत्था ना लाओ, बंदगी तैयार करो, वो तो कह रहे हैं हाय 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 कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। मैं कुर्बान जाऊं जी, आगे हजरत कह रहे थे ना बाबा जी खादिम हुसैन रजवी, कुर्बान जाऊं तो मेरे हजरत जो परदादा शेख ना, जहाँ से हमारा सिलसिला चलता है, वो खादिम हुसैन थे, मेरे वाले खादिम अली थे, खादिम ईदगाह शरीफ हजरत अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह तक सिलसिला जाता है, खादिम अली, और नाम नहीं जी खादिम अली थे भी खादिम अली। अब तो चलो हजरत वो नेट का दौर है, अल्लाह ने कुछ रहमत इस तरह की कर दी, वो हजरत ना कहीं तकरीर करने चले गए, ठीक हो गया, वो तकरीर करने गए जी, इतने मारूफ नहीं थे मामला, वो जो नकीबे माफल थे ना, उन्होंने हजरत को रुका और पेन भेजा कि जी अपना जरा तारुफ लिख के भेजो, जिस तरह तुम चाहते हो कि तुम दावत दी जाए, तो जरा सुनिए हजरत अपना तारुफ क्या करवाते हैं, हजरत लिखा क्या, फरमाते हैं बंदा खुदा का उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हसनैन का गुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ, ये मेरा तारुफ है। और ये हजरत अब्दुल करीम हजरत पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाह ताला, ये हजरत लिखा नहीं कभी कि किबला सियालकोट जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाह ताला, एक कभी इस तरह नहीं हुआ कि आप सियालकोट तशरीफ लाएं और हजरत से मिले बगैर आप जो है ना, क्योंकि हजरत ने 120 साल के करीब उम्र पाई, और शाह साहब फरमाया करते थे कि हजरत साहब पका हुआ फल है, मैं इसलिए आता हूँ कि इसमें से कोई एक मीठा सा कतरा मुझे भी मिल जाए, कभी नहीं, और हम देखा तो नहीं जी मैंने, लेकिन लिखा है कि जब किबला शाह साहब तशरीफ लाते ना, तो फिर किसी तीसरे बंदे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, फिर अंदर मारिफत के मौजू पे गुफ्तगू हुआ करती थी, क्योंकि अल्लाह वाले तो हजरत मुतलाशी रहते हैं कोई इस तरह का बंदा आए कि मारिफत के मौजू पे गुफ्तगू हुआ, क्योंकि दुनियादार तो जब भी आते हैं वो बात दुनिया की करते हैं, इसलिए सूफी बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं कोई ऐसा आए जिससे उसकी बात हो। मेरे हजरत साहब हजरत मेरे दादा शेख अस्सी फरमाए इंतज़ार ही करते जा रहे हैं हजरत जी, तो सूफियों को इंतज़ार होता है हजरत को आए कि जिससे फिर उसकी बात हो। हजरत मैंने अपने हजरत साहब को देखा जी, मेरे अर्गे दुनियादार आने तो हजरत साहब चेड़ जी चढ़ जानी कि जाए बंदा, उलमा ने आना हजरत साहब खिल उठते थे। मैंने एक दिन पूछा, मैं हजरत जी मेरे अर्गे आते हैं तो गुस्सा करते हो, मौलवी आते हैं तो बड़े खुश होंगे हो, फरमाते मौलवी दे आया तां खुश होना, मौलवी आणगे ते यार दी गल होएगी ना, ये तो इंतजार करती हैं हजरत कोई आए हजरत, हाँ जी, इसलिए पुत्र मैं कदर मैं कहूँगा आपसे, ये जो बुजुर्ग हैं इनकी कदर कर लो पुत्र, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं, और इनके पास जो असल सौदा है ना वो लो इनसे आके, इनसे रब का नाम सीखो।
इनसे आके अर्ज करो हजरत वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, क्योंकि सोना जहा नाम मैनू भी सिखाओ बुलाया है। हाँ पुत्र, अल्लाह के लिए आओ इनके पास, इनसे अल्लाह का नाम सीखो। और हजरत अल्लाह का नाम तो ऐसा है जी, खुद भी ले तो मजा है, तो अगर कोई सिखा दे तो फिर बकरा ही मजा है। इसलिए तो बुल्ले शाह कहते हैं, फरमाते अली फल्ला रत्ता दिल मेरा, अफरमाते मेरा दिल इसमें जात के रंग में रंगा हुआ है। सिखाया ना है ना अशा कादरी ने, उन्होंने सीखा हजरत ना अच्छा कादरी से। फरमाते अली फल्ला रत्ता दिल मेरा, बेदी मैनू खबर ना काई, बुलिया कॉल अलफ दे पूरे, जड़े दिल दी करन सफाई है। आता ही नहीं सीखने हजरत जी, कोई सीखने आता ही, हम तो मायल बकरम है कोई। तो लिखा जी वो हजरत साहब ना, शाह साहब ने जब भी आना तशरीफ लाना, एक दिन शाह साहब बैठे हुए थे आपस में गुफ्तगु हो रही थी, वो ओ बाबा जी बुजुर्गो ओ बड़े ओ बड़े ओ, अला मैनू घंटा हो गया बोलदे, मैं पानी का तरोपण ही बह के तरह लग गई, मैनू प्यान दे उधर जी बैठ जी। अला देखे ना मैंने वेस्टकोट भी पहनी हुई और मेरा जहनी तवाजन बिल्कुल ठीक है इधर जी। गर्मी क्या होती है इधर जी, बैठे बंदा उनका नाम लेने और गर्मी लगे बंदे को उधर। मुझे नहीं समझ आती है, मुझे कभी प्यास नहीं लगी है। मैंने वेस्टकोट मोटी वेस्टकोट चेक कर सकते हो अतला, क्योंकि मैंने एक दिन पढ़ा था कि मेरे मौला मुर्तजा मेरे शेरे खुदा गर्मियां च मोटे कपड़े पाते हो, बच्चिया दी मम्मी मोटे तो पान नहीं दिंदी, पर मैं मोटी वेस्टकोट पा लैंदा मोटे नहीं पान दिंदी इधर जी। अला ये भी मैंने कॉटन नहीं पहनी हुई, ये भी कपड़ा है, इसलिए इधर जी उनको मैं प्या लेंदे हो। तो जिधर जिधर जाते हो लोगों का ध्यान उधर हो जाता है इधर। अब बैठे रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो हजरत साहब बैठे थे, गुफ्तगु हो रही थी, वो मुरीदीन आ गए, तीन बज गए। उन्होंने अर्ज की हजूर 3:30 बजे ना सियालकोट लारी अड्डे तू सरगोधे वास्ते गड्डी निकलनी, तो जरा 3 बजे निकल जाएंगे, 10-15 मिनट लारी अड्डे जाने जाने लगने ने, जरा सीट चंगी मिल जाएगी तो चलिए। फिर किबला शाह साहब ना हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला से, मियाँ जी हकीम जी मैं इजाजत है। हकीम साहब फरमान लगे शाह जी अज मेरा दिल करता है तुम रात मेरे को रहो। अब क्योंकि सैयद थे हुक्मन तो कहा नहीं जा सकता था, अर्जी पेश करनी थी, तो शाह साहब आगे से कहने लगे कि हकीम जी जहे नसीब कारफ वक्त मुझे कह रहा है कि रात रुके मेरे पास, लेकिन ये है कि मैंने जाके असबाक पढ़ाने हैं और अभी ये किताबें पढ़ाने के लिए मेरे पास अभी कोई मुअल्लिम मुयस्सर नहीं है, क्योंकि ये बड़ी किताबें पढ़ा सके, तो मैं अगर रुकता हूँ ना तो बच्चों का एक दिन ज़ाया हो जाएगा, इसलिए आज मुझे जाने दे, अब जब सियालकोट आऊँगा ना तो बंदोबस्त करके आऊँगा, रात आपके पास रुकूँगा। हकीम साहब आगे से कहने लगे शाह जी इंज करो अज रात कुछ मैं पढ़ा छोड़ो क्योंकि पुत्र याद रखियो जिन्हों लब्बा जी उन्होंने लिख के लब्बा जी, इधर के अंदाज कुछ और हैं उधर के अंदाज कुछ और हैं, ये वेस्टकोट ए कड़ी ए प्रोटोकॉल छोटोकॉल इतने चलता है उथे, बल्कि वारा शाह क्या कहते हैं चूड़ियाँ वालियाँ नाज वखावन ते दूर निकालियाँ जावन, चिक्कड़ परियां इज्ज वखावन ते कुर्बू जरू पावन। इसलिए हजरत वो झुकते हैं, वो अपनी नफी करते हैं, वो कोई मौका नहीं जाने देते कि जब वो खुद को तलवार ना फेरे, वो खुद को तलवार कोई मौका नहीं जाने देते हजरत कि जब वो अपनी नफी ना करें। देखो ना ओ शरीफ, उधर बुल्ले शाह साहब मुलाकात हो गई, बुल्ले शाह भी नजर वाले वह भी नजर वाले, उन्होंने वेख्या बुल्ले शाह अंदर रोशन है, उन्होंने वेख्या उच शरीफ वाले अंदर रोशन है। पहले हजूर बुल्ले शाह ने अर्ज की हजरत बड़ा सोहना अंदर है कौन तुम, उन्होंने कहा जी अंदर ताड़ा भी बड़ा सोहना है तुम कौन। हजूर बुल्ले शाह कहने लगे जी पहले साहिल मैं हूँ और कायदा यह है कि पहले मेरा सवाल पूरा किया जाए। उच शरीफ वाले की आते हैं वो कहते हैं असी उच्चे साड़ी जात उच्ची असा उच शहर के रहन वाले, ये भी रंग ठीक है, ये नहीं कि अल्लाह माफ करे मैं कहूं ये रंग गलत है, ये भी एक हाल है। उच्चे थे वली थे जात उच्ची थी सैयद थे उच शहर के रहने वाले थे, लेकिन उधर फकर का ताजदार है, तीन बार अपने आप नु छुरी फेरी है, कह सकते थे मैं भी सैयद हूं कह सकते थे मैं भी वली हूं, लेकिन क्या कहते हैं कहने लगे असी कसूरी, एक कसूर वाला कसूरी नहीं मेरा की कसूर है वो वाला कसूरी है, तीन बार छुरी फेरी हजरत अपने आप, और ये सूफियों का काम होता है। फरमाया असी कसूरी साड़ी जात कसूरी असा शहर कसूर दे रहन वाले,
ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੀ ਚੁਰੀ ਫੇਰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਤੀਬ, ਮੈਂ ਖਤੀਬ ਆਲੇ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਚੂੜਾ, ਤੂੰ ਮਰਾਸੀ, ਤੂੰ ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਛੁਰੀ ਫੇਰਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਚੂੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਜ਼ ਵਿਖਾਵਣ ਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਕੜਨਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਆਂਤੋਂ ਮੈਂ ਪਖਾਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਸਾਨੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਤੋ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਥੂਕ ਗਿਰਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਗੋ ਮੈਂ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਫੇਫੜੋ ਮੈਂ ਬਲਗਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਤੇ ਮੈਂ ਸੁਫਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਿੱਲੀ ਮੈਂ ਸੋਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਤੂੰ ਮੱਟੀ ਸੇ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬਾਤ ਪੇ ਗਰੂਰ ਕਰ ਰਹਾ? ਕਿਆ ਤੁਝ ਮੈਂ ਗਰੂਰ ਕਰ? ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਾ ਤੋ ਗਟਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕੀ ਤੋ ਨਾਲੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਗੰਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਆਕੜ ਰਹਾ? ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਸੂਰੀ ਪਹਿਲੀ ਛੁਰੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਕਸੂਰੀ ਦੂਜੀ ਛੁਰੀ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਵੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਛੱਡੋ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪ ਆਰਫੇ ਵਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂ? ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਆਪ ਹਾਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਬਾਕ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੀਜੀਏਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ, ਅੱਜ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸੁਨਤ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਛੋੜਨੇ ਜਾਓ। ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂਗੇ ਪੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂਗਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਕੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਨਿਕਲਾ ਹਜ਼ਰਤ। ਹਜ਼ਰਤ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਹਾਂ ਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਥਾ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਲੰਗ ਪੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਫੜੀ ਤਸਬੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਚਲਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ। ਯਾ ਅੱਲਾਹੂ ਯਾ ਰਹਿਮਾਨੂ ਯਾ ਰਹੀਮ, ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਪੈਨ ਮੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਤਸਬੀ ਕੇ ਦਾਨੇ ਮੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਿ ਕੇ, ਯਾ ਹਯੂ ਯਾ ਕਯੂ, ਯਾ ਹਯੂ ਯਾ ਕਯੂ, ਯਾ ਹਯੂ ਯਾ ਕਯੂ। ਕੁਝ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂਗਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਆ, ਲਾ ਕੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਤਸਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਗੇ ਸੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਤਾਂਗਾ ਖੜਾ ਥਾ, ਮੈਂ ਤਾਂਗੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂਗਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਕੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਨਿਕਲਾ। ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਧੂਪ ਚੜੀ ਥੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਬਾਦਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਛਮਾ ਛਮ ਬਰਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਥਾ, ਹਵਾ ਆਗੇ ਕੋ, ਛਮ ਬਰਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਥਾ, ਹਵਾ ਆਗੇ ਕੋ, ਸਰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਕਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਜਾਤੇ ਜਾ, ਸਰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਕਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਇਤਨਾ ਭੀਗ ਜਾਊਂ ਔਰ ਭਿੱਖੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਕੱਪੜੇ ਗੀਲੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਠੰਡ ਸੇ ਇਤਨਾ ਬੁਖਾਰ ਆਏ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਚੱਲ ਪੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਸੇ ਕਹਾ, ਮੋੜੋ ਤਾਂਗਾ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਅਬ ਜ਼ਰਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਤ ਕਰ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਤ ਕਰ। ਅਬ ਜ਼ਰਾ ਤਸਬੀਹ ਵਾਲੇ ਕਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ, ਅਬ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਖੁਦੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛੇ, ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਓਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਕੀ ਵਫਾ ਤੂਨੇ, ਤੋ ਹਮ ਤੇਰੇ ਹੈਂ, ਯੇ ਜਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ ਲੋਹ ਕਲਮ ਤੇਰੇ। ਵਫਾ ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਵਫਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਸੇ, ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਆ ਜੀ, ਵਫਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਸੇ, ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਕੁਛ ਮੌਜੂ ਵੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਸੇ, ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਬਸ ਜੀ ਆਖਰੀ ਬਾਤ, ਕਿਬਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੈਦ ਪਾਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਲੱਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਬਲਾ, ਮੁਝਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜਵਾਲ ਸੁਨਤ ਕਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਲ ਸੁਨਤ ਕਾ
मैं कहता हूं जी केड़ा मां ने चूड़ा जम छड़िया जड़ा उन्हें पानी बंद करे। हाँ मेरे बच्चे, वो अल्लाह के बंदो, वो तो कोसर के मालिक हैं भाई, उनके जन्नत से जोड़े आया करते थे। मैं कहता हूं अगर जन्नत से जोड़ा आ सकता है तो क्या उस दिन जन्नत में भी पानी खत्म हो गया था? मेरे हुसैन पाक रब की रजा पे राजी थे। वो कौन है हजरत जो उन पे राजी थे? वो कौन है हजरत जो उन पे पानी? मुझे तो बात नहीं समझ आती आज तक। वो चार कौन है हजरत जो उन पे पानी? मुझे तो बात नहीं समझ आती आज तक। वो चार चूड़े हजरत मेरे इमाम पाक ऐसे करके इशारा करते हजरत जाती आज तक। वो चार चूड़े हजरत मेरे इमाम पाक बैठे हैं बुजुर्ग हजरत, मेरा अल्लाह की कसम है, मेरा वजद कहता है, पानी बंद वाली बात तो गई बाद में, मेरा वजद कहता है वो नहर फुरात जो गुजर रही थी, इमाम साहब ने तो तवज्जो ही नहीं ना की, मेरा वजद कहता है कि नहर फुरात भी इमाम पाक की बारगाह में मिन्नत करती है, कि नहर फुरात भी इमाम पाक की बारगाह में मिन्नत करती गुजरती होगी। इमाम साहब ये कौन होते हैं मिन्नत करती गुजरती होगी? इमाम साहब ये कौन होते हैं आले रसूल पे पानी बंद करने वाले? इमाम साहब पानी बंद वाली बात तो गई बाद में, मेरा वजद कहता है वो नहर फुरात जो गुजर रही थी, इमाम साहब ने तो तवज्जो ही नहीं ना की, मेरा वजद कहता है कि नहर फुरात भी इमाम पाक की बारगाह में मिन्नत करती गुजरती होगी। इमाम साहब ये कौन होते हैं आले रसूल पे पानी बंद करने वाले? ये तो आप तवज्जो ही नहीं फरमा रहे। अगर इजाजत हो तो मैं कदम चूमने आ जाओ। मेरा वजद कहता है हजरत, लाजिम तो नहीं कि हर बात किताब में आ जाए हजरत। मेरा इश्क कहता है हो नहीं सकता हजरत कि नहर फुरात अहले बैत इतहार की बारगाह में अर्ज करते ना गुजरी हो। हजरत ये इब्ने ज़याद, ये शिमर, ये चूड़े, ये कुत्ते बिल्ले, ये आप पे पानी बंद करेंगे? आप नहीं तवज्जो फरमा रहे, आप रब की रजा पे राजी हैं। मुझे इजाजत दें, मैं कदम चूमने आ जाती हूँ। ओए अटक वालो, ओए नारा शरीफ वालो, मेरा इश्क कहता है हर बार मेरे इमाम ने नहर फुरात को मुस्कुरा के ये जवाब दिया होगा, जे ओ मेरे दुख विच राजी मैं सुख नू चुल्ले पावां। पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, जेड़ा मां ने जमया जेड़ा उन्होंने पानी बंद करे। बल्कि फिर मियां साहब ने बता दिया, ताकत हुंदे आ जोर ना लाए। मैं हजरत साहब एक बात करता हूँ, ये जो हम जितने बैठे हैं ना, मैं बुजुर्गों की उलमा की नहीं, इनकी हम कमजोर ईमान वाले हैं। 2023 है, ये आपको पता है पीछे हमने रमजान के रोजे रखे हैं इन्हीं दिनों के। मैं कहता हूँ जी ये 2017-18 कर लेती हूँ, तब से गर्मी पे रमजान था, अब तो तकरीबन होता कहाँ आ गए। ठीक है जी, 2017-18 का रमजान, 2017-18 का 3:15 बजे जी रोज़ा बंद हुआ। और मैं कहता हूँ रमज़ान में सबसे औखा वजू असर का वजू है। कम अज़ कम 13-14 घंटे गुजर चुके हैं प्यासे हजरत, 5:30 बजे हजरत जी असर का वजू है। और 2017-18 कमज़ोर तरीन ईमान वालों का भी क्या हाल है कि जब कुल्ली के लिए मुँह में पानी रख जाते लेके जाते हैं ना, नीचे जाने देते नहीं, जाने देते 13-14 घंटे लग गए ने तेरे। ये 2017-18 कमजोर ईमान वालों का ये हाल है, मुंह में पानी रख के अंदर जाने देते। मैं भाई वुजू कर रहा हूं जो दाएं बैठा है, जो माए बने देते। मैं भाई वुजू कर रहा हूं जो मुंह में पानी रख के अंदर जाने देते। मैं भाई वुजू कर रहा हूं जो दाएं बैठा है, जो माए बैठा है, उसको तो पता है कि कुली के लिए डाल है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊं पता तो नहीं लगेगा किसी को। लेकिन हजरत जी वुजू करके भी सुकून नहीं आता, बाद में भी करके निकालते हैं, जो तरी है वो भी निकल जाए। मैंने पानी की तरी भी नीचे जाने देनी क्यों भाई? पानी है, हलाल है, पी ले, क्यों नहीं पीना? क्योंकि आज मेरे अल्लाह दी मर्जी ऐ वे के पीना। मैं कहता हूं 2017 वाले ओ तू मुंह में रख के अंदर न जाने दे कि अल्लाह की मर्जी नहीं, कुर्बान जाओ फिर हुसैन का आलम क्या होगा। तू बंद लाई है वो तू मुंह में रख के अंदर नहीं जाने देता, मेरे अल्लाह की मर्जी दाएं बाएं वाले को नहीं पता, ले जा थोड़ा सा अंदर, 13-14 घंटे गुजर गए, ले जा थोड़ा, नहीं बोल बाहर वुजू करके करता है ताकि तरी भी अंदर ना जाए। मैं कहता तो है 2017-18 वाले तेरा ये आलम है तो फिर उनका आलम क्या होगा। वो पुत्र राजी बा रजा थे, वो राजी बा ताकत हुंदे आ
जोर ना लाया। ये जी मैं आज चिश्तियों की बारगाह में हूँ, उनकी तो बात ही बड़ी बुलंद है ना जी। नीचे उनके गुलामों के 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 गुलाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, और फिर आगे उनके गुलाम बाबा फरीद हजरत। क्योंकि तसव्वुफ की किताबों में लिखा है कि बाबा साहब पहले मुरीद होने के लिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गए, और कहते हैं जी आलिम की मजलिस में जाओ जुबान कंट्रोल रखो, बादशाह के दरबार में जाओ सर कंट्रोल, मजलिस में जाओ जुबान कंट्रोल रखो, बादशाह के दरबार में जाओ सर कंट्रोल में रखो, सूफियों की मजलिस में जाओ तो फिर अपने ख्याल कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये दिलों के राजदार होते हैं, पकड़ लेते हैं। बाबा साहब फरमाते हैं, अब देखना जी ये मेरे पीछे कुर्सी की टेक है, ये मैंने टेक लगा ली। बाबा साहब फरमाते हैं जब मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा ना, तो आप एक खुश्क दरख्त से ना टेक लगा के आंखें बंद किए बैठे थे। फरमाते दिल में ख्याल आया, फरीद इतना सफर किया जाया ही हुआ सारा, ये कैसा वली है जो जनाब दरख्त को अपनी पुश्त लगाए और उसकी पुश्त की बरकत से दरख्त हराना हो जाए, ये कैसा वली हुआ। जाओ फरीद टाइम ही जाया की थी। चलो मैंने कहा आ गया हूँ बैठते हैं। फरमाते मैं जैसे ही बैठा ना, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने खुश्क तने पे निगाह मुबारक डाली और फरमाते हैं सर सब्जो शादाब हो गया, टहनियाँ आ गई, पत्ते आ गए, फल पड़ गया। ख्वाजा गरीब नवाज ने फिर नजर डाली, फिर खुश्क हो गया, फिर नजर डाली सर सब्जो शादाब हो गया, फिर निगाह डाली खुश्क हो गया, दो तीन दाबार इस तरह करके ना ये सुनना कर वाला। कहते मुझे आगे से कहने लगे, ओ फरीद वो तू फकीरी करना है कि रब ना लड़ाई लेना है। फकीर फरीद और तू फकीरी करने आया कि रब से लड़ाई लेने आया है। बाबा साहब फरमाते हैं मैंने अर्ज की हुजूर क्या हुआ, फरमाने लगे फरीद अगर उसकी मर्जी है कि दरख्त खुश्क रहे और तू जरूर अनु अरा करना है। मैं कहता हूं अगर उनका ये आलम था तो फिर उनका क्या आलम होगा। अगर जोर दिखाने पे आते तो करबला का नक्शा बदल के रख देते। मैं किताबों में लिखा है जी खानदान नबूवत में से उस वक्त इल्म में, उस वक्त उम्र में, उस वक्त ताकत में, उस वक्त तसर्रुफ में जो सबसे कम थे उनका नाम है हजरत इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला। लेकिन किताबों में उनके ये भी लिखा है कि उनके भी तसर्रुफ का ये आलम था कि जितनी देर तक कारवान नबूवत खानदान अहले बैत के चश्मो चराग मैदान करबला में रहे, इमाम अली असगर पाक को जमीन पे नहीं लिटाया गया, किसी ना किसी की गोद में रहे। क्यों? कहीं ये ना हो इनको जमीन पे लिटाएं ये एड़ी रगड़े नीचे से पानी निकल आया। क्योंकि अज जोर नहीं बखाना, अज ए वखाणा है उम्मत नू के रब दी रजा ते राजी किवें रहीदा। लेकिन हमारी जाने वाला राजी जी, हम तो ख्वाहिशात के गुलाम हैं, हमने तो ख्वाहिशों में उम्र जाया कर, हमने तो रजा का मजा ही नहीं चखा। मैं अदर एक और गल अर्ज कर दिया ज्यादा तरह के, क्योंकि काका भी मैं वेख्या हो गया कि कुरान पाक में अल्लाह बता रहे हैं कि पहले ये पूछो कि खराब दिन आए क्यों है, क्यों मईशत तंग हो गई, क्यों तेल कहाँ चला गया, क्यों आटा नहीं मिल रहा। पहला सवाल तो ये करो ना हज़रत, और वो हम कर नहीं रहे, ना हम बुजुर्गों से पूछ रहे हैं, ना हम उलमा से पूछ रहे हैं, ना हम कुरान पाक में जस्तजू कर रहे हैं। हम तो जनाब टीवी चैनल लगा के बैठे हैं कि देखो एंकर क्या कह रहे हैं। वो भाई बस वो तो अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, प्लांटेड प्रोग्राम है, पहले सारा कुछ तयशुदा है। मैं हो सकता है दौरान प्रोग्राम तेरा गिरेबान भी पकड़ लूँ, हो सकता है तुझे मैं पानी का गिलास भी फेंक दूँ, हो सकता है थोड़ी गर्मी सर्दी भी हो, बाद में जाके जफियाँ लगा के काफ़ी कटे भी हैंगे। कुरान से पूछो हजरत कि क्यों ये हालात बन गए। तो जब आप कुरान पाक से पूछोगे तो फिर कुरान पाक आपको उसका क्या जवाब देगा। कुरान कहता है वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। ये आपकी और मेरी मईशत इधर से नहीं उधर से तंग हुई है, ये आपकी और मेरी मईशत इधर से नहीं उधर से तंग। और याद रखो जिसकी उधर से तंग हो जाए फिर उसकी नीचे से ठीक कोई नहीं कर सकता। मैं एक बात जो आपकी जुबान से मैंने कई बार सुनी, मैं हजरत कोई मुझे पता है मैं आस्ताने पे खानका पे आया हूँ, मैं कोई इधर को सियासी अखाड़ा नहीं खोलना चाहता, ना हजरत हमारा कुछ तरह का मिजाज है, ना मैंने कभी किसी को इस नज़र से देखा है कि ये नून लीग वाला बैठा है, ये पीटीआई वाला बैठा है, ये पीपल्स पार्टी वाला, हमने कभी किसी को इस नज़र से नहीं देखा। मैं आप सबको एक ही नज़र से देखता हूँ, आप मेरे महबूब पाक की उम्मत हो हजरत, और मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम बना दिया हजरत, मेरी ड्यूटी इसलाह की है हजरत। मैंने कभी किसी को इस नज़र से नहीं देखा। मैं बस इब्तदा में बात आ गई तो मैं बस करते करते गुजर जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये बात सुनी ना
वो फलां शख्स मईशत ठीक कर लेगा, वो बड़ा पढ़ा हुआ है, उसके पास डिग्रियां हैं, वो कैम्ब्रिज का पढ़ा है, वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, ठीक है जी, किसी से कुछ नहीं होगा। आप असद उमर छोड़ के कोई सुपर डुपर असद उमर ले आए, आप इसहाक डार छोड़ के कोई सुपर डुपर इसहाक डार ले आए, जितना मर्दी को सियाना, उसके पास डिग्रियों का ट्रक हो, उसने वो डिग्री भी ले रखी है, उसने वो डिग्री भी ले रखी है, वो ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा, वो किसी एक से भी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसका उधर से बंद कर दिया जाए हजरत, उसका नीचे से कौन ठीक करेगा हजरत जी। इसलिए ये आपने और मैंने खुद ठीक करना है। ये जो हमारी मईशत के दरवाजे बंद हो गए हैं ना, ये सब के बंद दरवाजे की चाबी अपने अपने हाथ में है। मैं मज़ार पाक से बरकत लेके, इन शहजादों से बरकत लेके ना, मैं जाते जाते बस बात, सबकी चाबी अपने अपने, लेकिन खराबी क्या है कि चाबी में धंधे कोई नहीं है, और जब तक धंधे नहीं होंगे तब तक मईशत का बंद दरवाजा नहीं खुलेगा। एक धंधा उसमें फजर का डालें अंदर, एक धंधा उसमें जोहर का डालें अंदर, एक धंधा उसमें असर का डालें, एक धंधा उसमें मगरिब का डालें, एक धंधा उसमें इशा का डालें, एक धंधा उसमें तिलावत कुरान करीम का डालें, एक धंधा उसमें जिक्र इलाही का डालें, एक धंधा उसमें दुरूद पाक का डालें। आठ धंधे अपनी अपनी चाबी में डालें और अपनी मईशत का बंद दरवाजा खोलने जा रही है इधर जाए। बाकी इधर तक आप कहें कि वो खोल देगा तो वो खोल देगा, ये किसी से भी नहीं खोलेगा। जितना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर जाओगे हजरत, काम उतना ज्यादा खराब होगा। इसलिए अपना अपना मिजाज बनाओ, खूब अल्लाह का जिक्र करो, खूब अल्लाह का जिक्र करो जी, जितना जिक्र कर। देखो ना, मैं चलो आपके मिजाज को सामने रखते हुए, मैं अब आगे आयत नहीं, मैं चलो मियां साहब का शेर पढ़ देता हूँ। उधर का जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा मईशत तंग करेंगे। इधर मियां साहब क्या कह रहे हैं, मियां साहब कहते हैं अव्वल हम्द सना इलाही, अव्वल हम्द सना इलाही, ते जो मालिक हर हर दा, उस दा नाम पुकारण वाला, किसे मैदान ना हरदा। हम इसलिए तो हार गए, हमने उसका नाम पुकारना छोड़ दिया। ये जो बुजुर्ग हैं हजरत, इनका कमाल क्या था, क्यों हम इनसे प्यार करते हैं? हम इनसे इसलिए प्यार करते हैं कि ये उसका नाम पुकारा करते थे, और कितना पुकारा हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो आईना देखना सुन्नत है हजरत, लेकिन देखते रहना भी सुन्नत नहीं है हजरत। अब तो इतना आईना बीबियां नहीं देखती जितना आईना अब आजकल बंदे देखते हैं हजरत। और अल्लाह सूफियों ने तो आईने को पसंद ही नहीं किया हजरत, क्योंकि महबूबे पाक ने देखा है, इसलिए उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए देख लेते हैं। क्योंकि सूफी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आईना है, क्योंकि ये तुझे तेरी वेस्टकोट दिखाएगा, और तूने जब आईने के सामने ऐसे करके वेस्टकोट देखनी है ना, तूने कहना ओहो हो, तुझे आईना ये तेरे कपड़े दिखाएगा, गुल अहमद दिखाएगा, अलकरम दिखाएगा, पाशा दिखाएगा, जे डॉट दिखाएगा, हैं जी। लेकिन नजरे जी, कल ना बात वेस्टकोट पे खत्म होनी है, ना बात कल जनाब गुल अहमद और पाशा पे खत्म होनी, बात किस पे खत्म होनी है, कद अफलह मन तज़क्का है, बात ही अंदर पे खत्म होनी है। कल वेस्टकोट और पाशा पे तो बात ही नहीं खत्म होनी है। قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسی۔ اس لیے صوفی کہتے ہیں اس شیشے سے ذرا بچ کے رہے، ہاں کسی صوفی سے وہ شیشہ مانگ جو تجھے تیرا اندر دکھائے، ادھر نہیں ہے جو تجھے تیرا اندر، کیونکہ بات اندر پہ ختم ہونی۔ ये तो मियां साहब ने भी कहा, फरमाते हैं बारो बारी फेर न कुड़िए हूं जंदरदा कूड़ा, क्योंकि बात कल अंदर पे खत्म होनी। इसलिए सूफी जरा शीशे से बच के रहते हैं, क्योंकि हजरत जी ये बंदे को एक ऐसी चीज में फंसा देता है फिर बंदा गया। क्योंकि किसी सूफी ने कहा था, जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, उसे ना फिर दवा लगी ना दुआ लगी, हजरत हो गया काम से, हजरत वो काम से गया। इसलिए तो ये असल में हजरत अब तहकीक हो रही है, पहले हम तक ना सिर्फ अशार आया करते, लेकिन ये पता नहीं लगता था कि क्या वजह बनी हजरत ने ये शेर क्यों कहा। अब तहकीक हो रही है, बातें आ रही हैं खुल के सामने। ये लिखा है जी हुज़ूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मोहल्ले का कोई बंदा ना हज पे चला,
तो हुजूर बुल्ले शाह की खिदमत में हाजिर हुआ, हजरत वो चला वहां से कोई गल छल दसो, हजरत ने कोई तरबियत फरमाई होगी। बोले खैर जब वो वापस आया ना तो वो फिर हजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में आया। आपने फरमाया भाई यार दे शहर हूँ आया, फिर कोई गल ही सुना यार दे शहर दी। और बेचारे ने क्या बात सुनानी थी, मेरे वर्गा था, उत्थे तस्वीर खींची, उत्थे तस्वीर खींची, उत्थे तस्वीर खींची, तो वापस आ गया। और मैं क्या करता हूँ यार, कोई तो उम्रा इस तरह का, कोई तो हज इस तरह का करो जिसमें तस्वीर ना हो, बस जिसके लिए जा रहे उस जात को बता के चले जाओ। उधर निकलते हुए, ये करते हुए, एयरपोर्ट पहुंचते हुए, जहाज में बैठते हुए, जहाज उड़ते हुए, जहाज उतरते हुए, एयरपोर्ट पे आते हुए, एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए, ये करते हुए, वो करते, कोई हज उमरा तो यार इस तरह का करो कि जिसके लिए जा रहे हो बस उसको बता के चले जाओ। वो बेचारा मेरी तरह का था, कभी उधर तस्वीर खींची, कभी उधर खींची, कभी उधर खींची, कभी उधर खींची, वापस आ गया। अब उसने क्या बात सुनानी थी हुजूर बुल्ले शाह को, अब उसको समझ नहीं आई, तो वो फिलफौर ना हुजूर बुल्ले शाह को अर्ज करते, हजरत मैं जब सेने हरम में गया ना तो मैं आपको क्या बताऊं, वहां तो नूर ही नूर था। हुजूर बुल्ले शाह को पता था इन्हें जगह भी कोई नहीं कि नूर भी देख लवे। आपने फिर फिलबदी अशार कहे, इधर वहां क्या कहते हैं, फरमाते हैं तेन काबे विच भी नूर दिसे, वो लाइटा ही वेख आए, लाइटा वाला नहीं लगा कितने भी। फरमाया तेन काबे विच पिया नूर दिसे, साढ़े बुत खाने विच पिया हुजूर वसे, तेनु काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे, मैं कु नेड़े तै कु दूर वसे। अब सवाल ये हुआ बुल्ले शाह साहब से, हजरत ताडे नेड़े क्यों ते साडे तो दूर क्यों? फिर उसका जवाब हुजूर ने दिया, हजरत जी फरमाते तेनु काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे, मैं कु नेड़े तै कु दूर वसे, तेरे अंदर बार पलीती है, तेरे अंदर बार पलीती है। वो आईना मांगो हजरत किसी सूफी से जो अंदर दिखाए हजरत, क्योंकि काम अंदर खराब है और कल काम बनना भी अंदर। हम इसको सवार रहे हैं हजरत, हम नहीं इत्थे हजरत जी। तो वो इसलिए सूफी जरा आयनों से बच के रहते हैं, लेकिन क्योंकि सुन्नत है। और लिखा है हुजूर गौसे पाक भी देखा करते थे, वो लिखा है कि एक दिन वो खादिम सफाई कर रहा था, तो सफाई करते करते ना उससे आयना गिर के टूट गया इधर। अब ये वाला दौर तो नहीं जी मोटरसाइकिल निकाली बाजार गए जाके नया आयना ले आए इधर, ना मोटरसाइकिल ना बाजार ना इस तरह आयने इधर, उधर नमाज का वक्त करीब है। अब वो बड़ा परेशान है कि जब हुजूर गौसे पाक आयना तलब करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन खादिम भी तो गौसे पाक का था ना। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो है मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। दिन वहां तो चोर चोरी करने जाए तो जी कुतुब बन के आता है। अब जो हो ही खादिम, जो दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक के रूह मुबारक रुख अनवर को देखे, जिसको कई बार दिन में हुजूर गौसे पाक देखें, उसमें कितने रंग आ गए होंगे। अब लिखा जब हुजूर गौसे पाक ने वुजू कर लिया ना तो आपने फरमाया बस संगिया आयना तो लेके आ, आयना टूट चुका था। अब वो ये नहीं कहता कि हजरत सफाई कर दें कर दें मेरे को टूट गया, वो आगे सिर से क्या करता है, अज कदा आए ना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़ा कदा आई सी टूट गया। अपना नाम ही नहीं लिया, जात को ले आया बीच में। अर्ज करता है अज कदा आए ना चीनी शिकिस्त, लिखा है हुजूर गौसे पाक कितने खुश हुए, इतने खुश हुए, आपने फिलफौर मिश्रा मिलाया साथ। वज़ करता है अज कदा आए ना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुदबीनी शिकिस्त, चंगा होया टूट गया, ना वेखांगे ना अपना कदी याद आएगा, यार नु याद करांगे। हैं वो तो इतना यार को याद करते थे, वो तो इतना ही, लेकिन हमने हमने छोड़ दिया हजरत जी, नहीं हजरत याद किया करो। वमन और अदान दिक्री फ इन लहू मईशतन, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। खोलो अपनी अपनी मईशत के बंद दरवाजे हजरत, फजर जोहर असर मगरिब इशा तिलावत जिक्र दुरूद खोलो हजरत, ये किसी से नहीं खुलेगा। खोलो खुद जिक्र करो, अपने बच्चों को इस तरफ लगाओ हजरत, ये तकरीबन हजरत जी वालिदैन बैठे हैं हजरत जी, आओ इस तरफ हजरत, समझो मैं बाप हूँ, मेरी ड्यूटी है हजरत। और मैं तो हजरत परेशान हूँ कि वालिदैन